हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे से होंगे मेरे बच्चे आज मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ एंड इट इज़ फ्रॉम चैप्टर एट्थ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो एक्सरसाइज आपकी कवर कर रही है फ्रॉम एनसीआर एक्सरसाइज एट एंड एक्सरसाइज एट दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कवर हो जाता है मतलब फर्स्ट टू एक्सरसाइज का का एंड तो देखे क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपको आते भी होंगे बट फिर भी एक बार मेरे साथ रिविजन कर लो राइट तो देखे यहां पे क्वेश्चन नंबर वन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज एट पॉइंट टू एनसीआरसाइज एट पॉइंट टू एग्जैक्ट ये टर्म्स नहीं है टर्म्स वहां कुछ और है टैन से रिलेटेड है मैंने यहां पे साइन रेशो और यहां पे कॉस रेशो लिया हुआ लेकिन करने का पैटर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है तो देखिए यहां इस क्वेश्चन को कैसे आपने टैकल करना है फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन साइन ए प्लस भी आपको वन दिया हुआ है ए और बी राइट एंगल के अक्यूट एंगल्स हैं वो सब लिखा रहता है वहां पर मैंने लिखा नहीं है बट दे आर अक्यूट एंगल्स आपके सिलेबस में ही अक्यूट एंगल या फाइंड कर दो साइन ए प्लस भी इक्वल टू वन एंड कॉस ए माइनज बी इक्वल टू रूट थ्री बाय टू तो आपको सोल्यूशन uh, में ज्यादा इसकी लेंथ नहीं बनानी होती क्वेश्चन की बड़ा ही सिंपल होता है सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट यू राइट जैसे साइन ए प्लस बी आपको वन दिया होगा तो आपको ये सोचना है यार साइन कितने डिग्री पे वन होता है अगर आपको वो टेबल बनाने आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल जहां आपको याद है तो वहां से आप इसको देख सकते हो कि साइन कितने डिग्री पे वन होता है 90 डिग्री पे तो आपने इस वन को क्या लिख लेना है ऐसे लिखना है आपने इसको साइन 90 डिग्री ठीक है वन की जगह आपको ये लिख लेना है फिर इनके एंगल्स को आप कंपेयर कर सकते हो तो आपको ए प्लस बी कितना हो गया नाइनटी डिग्री आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई ऐसा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो भी आपका रिवाइज होता है उसमें सब्सिट्यूशन मैथड जो एलिमिनेशन मैथड है वो भी इसमें कवर होता है क्योंकि यहां पर इस टाइप की जो दो इक्वेशन बनेंगी उसको आप सोल्व कैसे करोगे जहां तो एलिमिनेशन मैथ से सोल्व करोगे या फिर सब्सिट्यूशन मैथड से सोल्व करोगे तो इसलिए ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर थ्री भी आपका इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है तो देखें यहां पर सेकंड जो आपको गिवन है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू अब कॉस कितने डिग्री पर रूट थ्री बाई टू होता है ये आपको टेबल से देखना है अगर याद है तो आप लिख सकते हैं तो कॉस कितने डिग्री पर रूट थ्री बाई टू होता है कॉस थर्टी डिग्री जो है वो रूट थ्री बाय टू होता है तो इनके एंगल्स को आप कंपेयर कर सकते हो ए माइनस बी आपके पास आ गया थर्टी डिग्री तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपको ऐसे दो इक्वेशंस मिल जाएंगी कई बार क्या होता है जैसे ए और बी लिखा है ना इनके साथ इनके कोशिशेंट या नंबर आ सकते हैं जैसे इधर थ्री ए प्लस टू भी कर देगा इधर फाइव ए माइनस सिक्स भी कर देगा तो वो नंबर देख के बिल्कुल घबराना नहीं थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बट करने का पैटर्न सेम ही होता है तो यहां पर बहुत ही सिंपल दो इक्वेशंस बनी है बस इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड कर दो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं चलो मैं एक साथ लिख के आपको बताता हूं ए माइनस भी हो गया नाइनटी सॉरी ए प्लस भी हो गया नाइनटी और ए माइनस भी हो गया आपका थर्टी डिग्री ठीक है देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कोफिशिएंट सेम बनाते हैं वेरिएबल्स का तो यहां पर देखो बी या फिर ए दोनों के कोफिशिएंट सेम ही है तो मैं यहां पर बी को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा ए प्लस ए कितना हो गया टू ए नाइन्टी और थर्टी का सम सर वन ट्वेंटी तो ए कितना आ गया बेटा सिक्सटी डिग्री दैट्स सॉप तो आपने ए फाइंड कर लिया इसको फर्स्ट या सेकंड किसी भी क्वेश्चन में पुट करो बी निकल जाएगा बस इतना सिंपल है ये तो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूं तो ए आ गया सिक्सटी डिग्री बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो वट इज बी सर इट इज नाइन्टी माइनस सिक्सटी दैट इज थर्टी डिग्री तो बी भी आपका आ गया थर्टी डिग्री तो जो आपके आंसर्स निकले ना ए एंड बी उसको ऐसे सर्कल कर दिया करो हाईलाइट कर दिया करो ताकि जो टीचर आपके पेपर चेक कर रहा है तो उसको कंफर्म तो हो जाए ना कहा ऐसे ढूंढना ना पड़े <laughs> कहां लिखा आपने आंसर तो ये हाईलाइट जरूर किया करो अपना आंसर ठीक है तो ये था बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल इस टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में आर एस अग्रवाल में वहां मिल जाएंगे अभी आप इनको करने की कोशिश करना ऐसे आप कर रहे होंगे क्वेश्चन ठीक है बट इनको प्रैक्टिस जरूर करना ठीक है क्वेश्चन नंबर टू इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 8.1 में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जैक्ट वो नहीं है यहां भी मैंने थोड़ी टर्म चेंज की है बट करने का पैटर्न सेम है इन ट्राइंगल ए बी सी हो सकता है आपके एनसीआरडी में लिखा हो ट्राइंगल पी क्यू आर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार कॉन्सेप्ट तो सेम ही है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी गिवन है ए सी और बी सी का जो डिफरेंस है वो गिवन है और हमें साइन uh, ए और कॉस सी फाइंड करना है यहां पर जो आपको फाइंड करना है ये कुछ भी बना के दे, दे देगा रेशो टैन कॉट सेक कुछ भी दे, दे देगा तो मैंने यहां पर साइन ए और कॉस सी लिया हुआ तो साइन कॉस टैन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो हमें आती है आपने उसके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस भी याद कर रखे हैं <laughs> पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले ठीक <laughs> है ना तो उससे आप ये रेशो को तो समझ ही सकते हो कि क्या आने वाली लेकिन हमें ये सब फाइंड करने के लिए साइन ए या कॉ सी हमें राइट right ट्राइंगल की सभी साइड्स का लेंथ पता होना जरूरी है तो यहां पर जो हमारे पास राइट right ट्राइंगल है उसकी सिर्फ एक साइड का लेंथ पता है जो कि ए बी है आपको बीसी का लेंथ भी चाहिए आपको ए सी का लेंथ भी चाहिए जो कि गिवन नहीं है यही तो क्वेश्चन का यहां पर जो है मेन क्वेश्चन है कि कैसे फाइंड करेंगे ए सी और बी सी का डिफरेंस पता है इट इज वन तो अगर डिफरेंस वन है क्या ये फाइव फोर है फाइव फोर का डिफरेंस वन होता है क्या ये सेवन सिक्स है क्या ये एट नाइन है क्या ये नाइन टेन है क्या ये इलेवन टेन है डिफरेंस वन आ रहा है लेकिन साइड्स क्या है एग्जैक्ट पता नहीं तो उसी का यार मेन क्वेश्चन है साइड्स कैसे फाइंड करनी बहुत सिंपल है आपने इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है पाइथागोरस थ्योरम से राइट right ट्रायंगल बनाओ पीजीटी लगाओ ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा देखो पहले क्वेश्चन की आपकी शुरुआत होनी है आप ट्राइंगल बना दो राइट ट्राइंगल दिस इज ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर आपने 90 डिग्री का एंगल बी पे बना लेना है जिस पे बोला हो तो बी पे बोला है बी पे बना दीजिए लेंथ हमें ए बी पता है इट इज सेवन सेंटीमीटर ठीक है ए सी और बी सी का डिफरेंस पता है लेकिन एग्जैक्ट कितनी लेंथ है वो नहीं पता तो राइट right ट्राइंगल जैसे ही बनाए आप डायरेक्ट क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी लगा दीजिए इसमें तो क्या है पीजीटी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जिसका आपको लेंथ पता है वो आप लेंथ यहां पे डाल दीजिए ए सी का पता है सर नहीं बी सी का पता है ए बी का पता है बीसी का पता है सर नहीं लेकिन यहां पर ए सी और बीसी जो दो साइड्स दिख रही है इनको सिंगल साइड में कन्वर्ट करना है इस एक्सप्रेशन को यानी जहां सिर्फ ए सी कर दो या सिर्फ बी सी कर दो वो आप कर सकते हो वो ये वाला रिलेशन आपको हेल्प करेगा तो यहां पर इसलिए मैं यहां इस टाइम पे बीसी स्केर नहीं रखूंगा स्टेप्स हमारे बढ़ जाएंगे हम यहां पर एक छोटा सा रीजन डाल रहे हैं कि भाई एसी और बीसी का जो डिफरेंस है वो वन के इक्वल है तो यहां से मैं बीसी की वैल्यू निकाल लूंगा वन को मैं इधर ले आया और BC को उधर ले गया तो बीसी तो की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई एसी माइनस वन तो ये बीसी की वैल्यू आपको यहां डालनी होल स्केयर यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं सर कैसे अप्रोच करें बहुत सिंपल है एसी और बीसी में से ए की साइड दिखनी चाहिए सिर्फ ए सी कर दो या सिर्फ बीसी कर दो तो मैंने बीसी का वैल्यू यहां डाल दिया तो मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को एसी में कन्वर्ट कर लिया होगा कैसे एसी की वैल्यू निकल जाएगी जब ए सी आ गया तो बी सी तो जाएगा ओके फोर्टी नाइन यहां पर आपको आइडेंटिटी यूज कर लेनी है ए माइनस बी का होल स्केयर ए स्केर प्लस बी स्केर माइनस टू ए बी ए स्केर बी स्केयर माइनस टू ए बी आई होप ये आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन सिम्प्लीफिकेशन करते वक्त हमने देखा ए सी स्केयर ए सी स्केयर तो कैंसिल हो रहा है तो दोनों को चलो मैं ए की तरफ ले जाता हूँ फोर्टी नाइन और वन सर फिफ्टी टू ए सी ए सी स्केर ए सी स्केयर कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर बच गया लेफ्ट साइड में ज़ीरो यहाँ पर आ गया आपका फिफ्टी माइनस टू ए सी ए सी को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए ये कैलकुलेशन अब क्लास सिक्स की चल रही है उसमें कोई बड़ी बात नहीं दैट यू कैन डू 50/2 इट इज 25 तो भाई AC का वैल्यू आपने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर ठीक है अब AC आ गया तो BC कितना होगा बताइए देखो BC का क्या वैल्यू निकाला था आपने AC 1 तो BC AC 1 AC इज 25 इट इज 1 24 तो BC भी आपने निकाल तो इस राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स सा आपको पता चल चुकी हैं आगे यार हर एक रेशियो का डेफिनेशन तो आता ही वो लगा देंगे तो BC मेरा 24 आ गया था और AC मेरा 25 आ गया था ये भी ध्यान रखना है यार AC जो कि हाई पॉड न्यूज है ऐसा ना करें कि उसकी लेंथ कम हो और दूसरी साइड की लेंथ को बड़ा लिख दें थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट भी अपना रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम में यानी राइट राइंगल में जो हाई पॉड न्यूज है वो सबसे बड़ी साइड होती है तो थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन कन्फ्यूज मत हो जाना कि इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो ध्यान में भी रखना है कि हाइपर्ड ही सबसे बड़ा होता है तो उसकी लेंथ ही सबसे बड़ी होनी चाहिए ओके okay, डियर तो ये हो गया पूरा इसका सोल्यूशन वाला पैटर्न अब जो फाइंड करने के लिए पूछा है साइन ए एंड कॉस बताइए बेटा का सर परपेंडिकुलर बाय तो परपेंडिकुलर कितना है ऑलरेडी इट इज अच्छा यहां पर एक चीज और एंगल ए के लिए पूछा हुआ है तो एंगल ए यहां पर है ठीक है ना एंगल ए यहां पर है तो साइन का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय हाइपर्ज परपेंडिकुलर हमेशा कौन होता है

ये जो रेशो के साथ एंगल लगा है इसके जो एडजेसेंट वाली साइड है that is the base. तो एंगल प्लीज इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो हो सकता आपको ये प्री बोर्ड में मिल जाए और फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू बाय बाय एंड टेक केयर